बड़े एक भी रे चैनल सब्सक्राइब तो कर दो, अगर क्रांति ने कर देवे तो कहियो। जब एक युवा अपनी नीति और बुद्धि का परिचय देता है तो उसके राज्य का राजा उससे प्रभावित होकर उसे उस राज्य का मुंशी बना देता है। मुंशी बनने के बाद उस राज्य में घूसखोरी पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर वही युवा जब अपने शौर्य और अपनी वीरता का परिचय देता है तो उस वीरता से प्रभावित होकर उस राज्य का राजा उसे सेनापति बना देता है। सेनापति बनने के बाद अंग्रेज उस योद्धा के नाम से थर थर कांपने लगते हैं। सारी अंग्रेज हुकूमत उस योद्धा को खत्म करने में लग जाती है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं महापराक्रम योद्धा तात्या टोपे के बारे में। 1814 को महाराष्ट्र के येवला में जन्मे तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र राव पांडुरंग था, जो कि बचपन से बड़े फुर्तीले थे, ईमानदार थे और बुद्धिमान थे, जिसकी वजह से उनसे प्रभावित होकर बाजीराव पेशवा ने अपनी नवरत्नों से जड़ी टोपी उन्हें प्रदान की। इसके बाद सारा राज और सारा देश उनको तात्या टोपे कहने लगा। नाना साहब पेशवा ने उन्हें मुंशी के पद से सीधा क्रांति युद्ध का सेनापति घोषित कर दिया। फिर क्या था, एक के बाद एक ग्वालियर, कालपी, कानपुर, हर जगह हिंदुत्व का परचम लहराने लगा, जिसके बाद तात्या टोपे अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के बाद अंग्रेज अपनी सारी ताकत सिर्फ तात्या टोपे को खत्म करने में लगा रहे थे, लेकिन गंगा का तेज प्रभाव भी उन्हें रोक ना सका। कानपुर का युद्ध भी नाना साहब के साथ मिलकर तात्या टोपे ने ही जीता था। अंग्रेज सेना जब अपने प्राण बचाकर भागने लगी, उस समय तात्या टोपे ने उन्हें गंगा किनारे घेर लिया। अंग्रेज सेना अपने परिवार के साथ नाव पर बैठकर प्रयागराज की ओर भागने लगी, जिसके बाद क्रांति सेना ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी ऐसी कि गंगा लहूलुहान हो गई। गंगा में कई लाशें यूं ही समा गईं, लेकिन अचानक तात्या टोपे की नजर उन बेगुनाह महिलाओं और बच्चों पर पड़ी, जिसके बाद तात्या टोपे ने उस गोलीबारी को बंद करने का प्रयास किया। तात्या टोपे ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी युद्ध किया, जिसके बाद राजा, नवाब, जागीरदार ने उनके सामने समर्पण किया। एक खास बात यह भी थी कि ग्वालियर की सेना भी तात्या टोपे के साथ थी, जबकि ग्वालियर राज अंग्रेजों की तरफ था। ब्रिटिश फौज के कर्नल होम्स ने अपनी सारी शक्तिशाली सेना तात्या टोपे के पीछे लगा दी, लेकिन गोरिल्ला युद्ध में माहिर तात्या टोपे उन्हें हमेशा चकमा देते रहे। सिर्फ तात्या टोपे को घेरने के लिए होम्स ने अंग्रेज सेना के अधिकारियों को तैनात किया था, लेकिन तात्या की युद्ध नीतियों के कारण वे कभी पकड़े नहीं गए। उनके बारे में सूचना मिलते ही अंग्रेज सैनिक उस स्थान को घेर लेते थे, लेकिन वो माहिर थे, उनकी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो जाते थे। तात्या एक हवा के झोंके की तरह आते और हमला करके हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो जाते थे। जब तात्या ने इंदौर पर हमला करने की योजना बनाई, तब अंग्रेज भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि होलकर सेना भी उनके साथ हो जाएगी, लेकिन तात्या को घेरने में अंग्रेजों ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। अंग्रेजों के बड़े बड़े सेनापति अपनी सेना लेकर राजगढ़, महू, देवास से इंदौर की तरफ भागने लगे। सेनापति तात्या टोपे ने अपनी शक्ति नष्ट ना करने में ही बुद्धिमानी समझी।
सेना कम होने की वजह से तात्या टोपे दक्षिण की ओर आने लगे, क्योंकि तात्या टोपे को दक्षिण से ज्यादा मदद की उम्मीद थी। लेकिन उससे पहले वे अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए। लेकिन नाना साहब के भाई राव साहब से विचार विमर्श करने के बाद तात्या टोपे पर्वतों को लांघते हुए, नदियों को फांदते हुए और जंगलों को चीरते हुए दक्षिण की ओर बढ़ने लगे, जिसे देख अंग्रेज एक बार फिर चकित हो गए। तात्या की बुद्धि, वीरता और पराक्रम के कारण अंग्रेज सेना और अंग्रेज परस्त देसी नरेश कांप रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों की डाक गाड़ियां, तार यंत्र को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तात्या टोपे बड़ौदा पहुंचना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनका सामना अंग्रेज सेना से हो गया, जिसके बाद उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। उनका पीछा करते करते सैनिक अधिकारी रॉबर्ट उदयपुर पहुंच गया। अब तात्या के सामने कई कठिनाइयां थीं, क्योंकि एक तरफ नर्मदा नदी उनका रास्ता रोके थी तो दूसरी तरफ ढलान, तो वहीं तीसरी ओर अंग्रेज सेना। लेकिन एक बार फिर तात्या टोपे अपनी सूझबूझ और अपने साहस से मेजर रॉक की सेना को चीरते हुए उदयपुर से फतेहगढ़ जा पहुंचे। तात्या टोपे को उनके पुराने मित्र मान सिंह ने बुलाया। उस समय मान सिंह अपने दिन जंगल में काट रहा था, लेकिन इस बात की भनक अंग्रेजों को पड़ गई। धूड़ते धूड़ते अंग्रेज मान सिंह के पास पहुंचे, जहां उन्होंने मान सिंह को उसका राज्य वापस दिलाने का लालच दिया। मान सिंह गद्दार निकला, जिस तात्या को पकड़ना गोरों के लिए असंभव था, उस गद्दार मित्र की वजह से वो काम अंग्रेजों के लिए संभव हो गया। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे सुरक्षित स्थान पर सो रहे थे। उस समय अंग्रेजों ने उन्हें दबोच लिया। उन्हें गिरफ्तार कर शिवपुरी में जनरल मीड की छावनी में लाया गया, जहां उन पर अंग्रेजों ने युद्ध और युद्ध में अनेक हत्याओं का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उस समय तक श्रद्धा का पात्र बन चुके तात्या टोपे के दर्शन हर कोई करना चाह रहा था। अंग्रेजी सेना उस भीड़ को फांसी स्थल तक नहीं आने दे रही थी। यहां तक कि जल्लादों ने भी उन्हें फांसी देने से इनकार कर दिया था। 18 अप्रैल 1859 को उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में कहा कि मैं अपने हर काम के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं, उसके लिए मेरे परिचित संबंधी को ना सताया जाए। अपने चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई डर। निर्भीक होकर तात्या टोपे फांसी स्थल तक पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा ना ढका जाए, मैं अपनी मृत्यु को आमने सामने देखना चाहता हूं। जिसके बाद महान क्रांतिकारी तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया।